हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे मनी। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने जो है इकोनॉमी के भेद, इकोनॉमिक के काइंड्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार, राष्ट्रीय आय और पंचवर्षीय योजनाओं पर डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मुद्रा। मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा कौन सी वस्तु होती है, क्या है, या मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ। तो पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चलते हैं कि मुद्रा कैसे कैसे जो है आई मार्केट में। तो मुद्रा के बारे में पहले जानते हैं मुद्रा है क्या। मुद्रा क्या है, विनिमय का साधन है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, विनिमय का साधन। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है एक्सचेंज करना, विनिमय का साधन। दूसरा है संचय, कैलकुलेशन। ठीक, संचय का साधन है। और उसके साथ साथ इसके अंदर क्रय की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्रय की क्षमता, किसी चीज को परचेज करने की कैपेसिटी। तो ऐसी कोई वस्तु जो एक्सचेंज के काम आती हो, ठीक, कैलकुलेशन के काम आती हो और किसी चीज को बाय करने के काम आती हो या क्रय करने के काम आती हो, तो उसे क्या कहेंगे आप, मुद्रा कहेंगे। तो ये सारे कार्य होते कैसे थे जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी। तो जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थी तो उस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय। ठीक, तो वस्तु विनिमय में क्या होता है, सामान दे करके सामान लेना, गेहूं दे करके चावल ले लेना, चना दे करके मटर ले लेना, इस प्रकार की प्रणालियां आज भी गांव देहातों में चलती रहती हैं और देखने को मिलती भी हैं कि लोग एक सामान दे करके दूसरा सामान ले लेते हैं। लेकिन इस वस्तु विनिमय प्रणाली में ढेर सारी समस्याएं और बाधाएं आती रहती हैं। ठीक, कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, दूसरे व्यक्ति के पास वह वस्तु है या नहीं है, या उसे उस वस्तु की जरूरत है कि नहीं है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलती है। जब सभ्यता आगे बढ़ी तो वैदिक काल में आप जाइए, वैदिक एज में, वैदिक काल में मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग देखने को मिलता है। किसका, गाय। ठीक, तो वैदिक काल में गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। और इसके आगे जब सभ्यता बढ़ती है तो आप देखते हैं निस्क नाम का आभूषण। निस्क नाम का क्या था, ये आभूषण है, अर्नामेंट है। तो यह आभूषण जो था निस्क, ये गले में पहनने वाला हार है। क्या है, गले में पहनने वाला हार था। तो निस्क को भी आभूषण, निस्क नाम के आभूषण को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। और इसके बाद धातु मुद्रा, कौन सी धातु मुद्रा, मेटल मनी, धातु मुद्रा प्रयोग में आने लगी। धातु मुद्रा में क्या आते थे, सिक्के आने लगे। ठीक, तो सिक्के, तमाम सिक्के प्रचलन में आए और प्रायः तांबे के, चांदी के, सोने के, पोटीन के, तमाम शीशे के, ये सिक्के प्रचलन में आए। यहां से एक सवाल बनता है जो धातु मुद्रा में है, वो सवाल ये है कि सोने के सिक्के, ये काफी महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कास्टली थे, तो सोने के सिक्के कौन लेके आया और कैसे भारत में प्रचलन में आए। तो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय आप इतिहास में भी पढ़ेंगे। सोने के सिक्के चलाए गए सबसे पहले किसके द्वारा, यह क्वेश्चन आया है और आने की संभावना भी बनी रहती है लगातार। तो सोने के सिक्के जो है चलाए गए इंडो ग्रीक शासकों द्वारा। किसके द्वारा, इंडो ग्रीक शासक। ठीक, तो भारत में जो विदेशी आए थे इंडो ग्रीक, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के में इंडो ग्रीक क्या है, सबसे पहले, सबसे पहले। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। लेकिन इंडो ग्रीक के द्वारा चलाए गए ये सोने के सिक्के शुद्ध नहीं थे, पूरी तरह 100% प्योर नहीं थे। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, यह भी बार बार प्रश्न बना हुआ है। तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए। तो सबसे पहले, सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाण शासकों ने। ठीक, और सर्वाधिक सोने के सिक्के, क्या सर्वाधिक, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। क्लियर, तो एक बार फिर मैं इसे रिपीट करता हूं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का साधन होता है, मुद्रा संचय का साधन है और मुद्रा के अंदर क्रय करने की क्षमता पाई जाती है।
प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लोग सामान दे करके दूसरा सामान ले लेते थे। वैदिक काल आते आते गाय जो है मुद्रा का साधन बनी, और उसके बाद आप आइए तो गाय के बाद निस्क नाम का आभूषण, निस्क नाम का आभूषण मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद धातु मुद्रा का प्रचलन बढ़ता गया और सिक्के प्रचलन में आए, और ये सिक्के आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्कों के रूप में भी जाने जाते हैं। आहत सिक्कों का मतलब होता है चोट खाए हुए सिक्के, आहत होना मतलब चोट खाना। तो पहले तो सिक्के ढालने की मशीनें थी नहीं या टकसाले नहीं थी, तो सिक्के बनते कैसे, धातुओं को काट कर उस पे अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है अंकित कर दिया जाता था, मोहर लगा दी जाती थी, इसी को कहा जाता था पंचमार्क सिक्के। क्या कहा जाता था, पंचमार्क या आहत, क्या आहत सिक्के, आहत मतलब चोट खाए हुए, ठीक प्रेस किए हुए, या पंचमार्क सिक्के मुहर लगाए हुए सिक्के। तो ये सिक्के प्रचलन में आए। फिर सोने के सिक्कों का दौर चला, और सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए इंडो ग्रीक शासकों ने, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने, और सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गए गुप्त शासकों के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे पत्र मुद्रा का प्रचलन बढ़ा, ठीक, और 18वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा पूरी तरह से प्रचलन में आई भारत में। और इसके बाद और आगे बढ़ती गई चीजें, अब धीरे धीरे साख मुद्रा और डिजिटल मुद्रा, ठीक, साख क्रेडिट मनी और डिजिटल मनी, इन दोनों ने स्थान ले लिया है। तो अब चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, हुंडी के द्वारा, या विनिमय पत्र के द्वारा, एक्सचेंज लेटर के द्वारा ये पेमेंट किया जा रहा है। तो यह अभी धीरे धीरे आगे बात कहां बढ़ रही है, साख मुद्रा की तरफ या क्रेडिट मनी की तरफ। लेकिन एक समस्या है, इन मुद्राओं में जो लीगली हैं, इन्हें तो एक्सेप्ट करना बाध्यकारी है, जो आपकी पेपर करेंसी है, पत्र मुद्रा है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन साख मुद्रा में स्वीकार की स्वीकारता की बाध्यता नहीं होती। आप जिसे साख मुद्रा का पेमेंट कर रहे हैं, चेक में पेमेंट कर रहे हैं, उसको लेने के लिए लेने वाला बाध्यकारी नहीं होता। इसलिए साख मुद्रा चलन में होने के बाद भी द्वितीय स्तर की मुद्रा मानी जाती है, ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके कि मुद्रा में और कौन कौन से भेद हैं, और क्या है भारत में मुद्रा की क्या स्थिति है, कौन जारी करता है। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो आते हैं कि मुद्रा के और कौन कौन से भेद हैं। तो मुद्रा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मनी, ठीक, मुद्रा के प्रकार, तो आप लोग देखते हैं, एक है प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी। ये प्लास्टिक मनी क्या होती है, कोई कागज की नोट नहीं होती है। प्लास्टिक मनी का मतलब कागज की नोट नहीं, बल्कि क्या है, ये सभी प्रकार के कार्ड, कार्ड मतलब आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी प्रकार के जो है कार्ड जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, ठीक। और इसके साथ साथ एक शब्द आता है दूसरा, वो है हार्ड मनी। क्या है, हार्ड मनी, या इसे आप हिंदी में कहेंगे कठोर मुद्रा। और दूसरा इसका है सॉफ्ट मनी। तो हार्ड और सॉफ्ट मनी, ये एक पैरलर कॉन्सेप्ट है। क्या है, पैरलर कॉन्सेप्ट, कोई चीज किसी वस्तु के सापेक्ष हार्ड हो सकती है, किसी के पैरलर हार्ड है, किसी के पैरलर सॉफ्ट है। तो मुद्रा किसके पैरलर हार्ड होगी और किसके पैरलर सॉफ्ट होगी। जैसे भारत की मुद्रा को ले लें, तो भारत की मुद्रा अगर आप नेपाल या भूटान में प्रयोग करें तो वहां पर यह हार्ड होगी। कैसे हार्ड होगी, क्यों, क्योंकि भारत की मुद्रा की डिमांड वहां पर ज्यादा है। तो जब किसी मुद्रा की डिमांड उसकी सप्लाई से जो है ज्यादा हो, हार्ड मनी कब होगी, यहां पर मांग अधिक, क्या होगा, मांग अधिक हो, डिमांड ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, पूर्ति क्या हो, पूर्ति कम हो। तो जब किसी मुद्रा की मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, ठीक, डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो, तो ऐसी सारी मुद्रा को क्या कहा जाएगा, हार्ड मनी या कठोर मुद्रा कहते हैं, ठीक। तो अमेरिका का डॉलर इंडिया में हार्ड है, लेकिन इंडिया का रुपया अमेरिका में हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट है।
लेकिन भारत का रुपया नेपाल या भूटान में क्या है? हार्ड है। तो हार्ड मनी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो। सॉफ्ट मनी इसके जस्ट अपोजिट है। कैसे होगी? कि मांग कम, डिमांड क्या है, कम हो, और सप्लाई, पूर्ति क्या हो, पूर्ति अधिक हो। तो जब किसी मुद्रा की डिमांड कम हो और सप्लाई अधिक हो तो कैसी मुद्रा मानी जाएगी? सॉफ्ट मानी जाएगी। भारत की मुद्रा नेपाल में अगर यूज करें तो क्या होगी? हार्ड होगी। लेकिन अमेरिका में यूज करें तो सॉफ्ट होगी। तो क्या है ये? ये एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है। अगला इसी तरह है हॉट करेंसी। क्या है? हॉट करेंसी, हॉट करेंसी या हॉट मनी भी कह सकते हैं। तो हॉट मनी या हॉट करेंसी क्या है? हॉट कैसे होगी ये कोई इसे क्या कहेंगे आप? हॉट मतलब गर्म, ठीक। हार्ड मतलब कठोर और हॉट का मतलब है गर्म। तो यहां गर्म मुद्रा का क्या आशय है? गर्म मुद्रा, कोई चीज गर्म कब होगी? जब उसका घर्षण अधिक होगा। घर्षण कब होगा? जब उसके अंदर तेजी से भाग जाने की क्षमता होगी, ठीक। तो ऐसी मुद्रा जिसमें पलायन करने की, पलायन मतलब भाग जाने की, पलायन की क्षमता पाई जाती है, ठीक, पलायन की क्षमता। ऐसी सभी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की, तेजी से भाग जाने की, तेजी से पलायित हो जाने की, तेजी से स्लिप कर जाने की क्षमता हो, तो ऐसी मुद्रा को क्या कहेंगे? हॉट करेंसी या हॉट मनी। जैसे अमेरिका का डॉलर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का भी दर्जा प्राप्त है, साथ साथ IMF का SDR, जिसे आप पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये कैसी मुद्रा है? हॉट करेंसी है। ये बाजार में आते ही गायब हो जाते हैं। तो चार कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। प्लास्टिक मनी, सभी प्रकार के कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाएं, ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। हार्ड मनी जिसकी डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो, ठीक, हॉट करेंसी या हॉट मनी। सॉफ्ट मनी या सॉफ्ट करेंसी, डिमांड जो है कम हो और सप्लाई अधिक हो। नेक्स्ट है हॉट करेंसी या हॉट और हार्ड में अंतर है, यहां फोकस करिएगा। हार्ड का मतलब है, हार्ड और सॉफ्ट एक पैरेलल कॉन्सेप्ट है, जबकि हॉट करेंसी जितने भी विकसित देशों की मुद्राएं हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कि विकसित देशों की मुद्राएं, ठीक। तो जितने भी विकसित देश हैं उनकी मुद्राएं हॉट करेंसी का बिहेव करती हैं, ठीक। इसके साथ साथ एक और जो है मुद्रा का भेद आता है, वो है विधिग्राह्य मुद्रा। क्या है? विधिग्राह्य मुद्रा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं विधिग्राह्य मुद्रा क्या है। विधिग्राह्य मुद्रा, नेक्स्ट पांचवा है विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य, ठीक, विधि मतलब कानूनी, इसे आप कहें लीगल एक्सेप्टेड। विधिग्राह्य मतलब लीगली जो स्वीकार किया जाने वाले हो। विधि मतलब कानूनी, ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य। तो कानूनी ग्राह्य रूप से ग्रहण करने योग्य। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, आप चाय वाले के यहां जाएं और चाय पिए, और चाय पीने के बाद उसे $1 का भुगतान करें, और अगर आपके यहां कानूनी रूप से स्वीकृत मुद्रा क्या है? रुपया है। और अगर आपने रुपए में भुगतान नहीं किया और उसने डॉलर लेने से मना कर दिया, तो आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते, उसका उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत में कानूनी रूप से, विधिक रूप से या लीगली मान्यता प्राप्त मुद्रा डॉलर नहीं है। भारत में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा है रुपया। तो यहां कह सकते हैं कि आपको उसे रुपए में भुगतान करना होगा। तो जब आप रुपए में भुगतान करेंगे तो वह रुपया लेने के लिए बाध्य है। वह ऐसा नहीं कह सकता कि आपको इंडिया में चाय पिलाए और कहे हमको डॉलर में भुगतान करो, हम रुपए में भुगतान नहीं लेंगे। जी नहीं, उसे हर हाल में रुपए में भुगतान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगली एक्सेप्टेड है, ये कानूनी रूप से ग्रहण करने के लिए बनाई गई है ये मुद्रा। तो इसे आप कह सकते हैं कि ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतान करने के लिए देनदार बाध्य हो, देनदार बाध्य हो और लेनदार बाध्य हो, लेनदार बाध्य हो। तो ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतान करने के लिए देनदार, देने वाला, और लेनदार, ठीक, लेने वाला, ये दोनों बाध्य हो।
तो ऐसी मुद्रा जिसमें भुगतान करने पर लेनदार और देनदार दोनों बाध्य हों उसे आप क्या कहेंगे? विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल एक्सेप्टेबल मनी। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट, छठा, जिसे आप कहेंगे काला धन, काला धन या ब्लैक मनी। ब्लैक मनी, रुपया लेकर के उसके ऊपर काले कलर के इंक से पोत दीजिए, वही है ब्लैक मनी। जी नहीं, यह ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी का मतलब होता है कि ऐसा धन जो कर अधिकारियों से छुपा कर रखा गया हो। ठीक, देखिए, जो भी धन कमाया जाता है उस धन को कर अधिकारियों की जानकारी में रखा जाना चाहिए। ठीक, तो यदि कोई धन ऐसा है जो कर अधिकारियों से छुपाया गया हो, क्या हो? कर अधिकारी से छुपा कर रखा गया हो। ठीक, कर अधिकारी से छुपा कर रखा गया हो और साथ ही साथ बिना हिसाब किताब के हो। अगला क्या है कि बिना हिसाब का हो। ठीक, तो ये दो चीजें होनी चाहिए कि उस पर टैक्स ना पे किया गया हो, उस धन को, उस इनकम का सोर्स लीगल ना हो और वो बिना हिसाब किताब के रखा गया हो, बिना किसी लेखे के रखा गया हो, विदाउट अकाउंटिंग के रखा गया हो, तो ऐसे सभी धन को क्या कहेंगे? ब्लैक मनी या काला धन। इसी के साथ साथ एक टर्म और आता है इकोनॉमिक्स में, काला बाजार। ठीक, काला बाजार, तो वो हम मूवी नहीं है जी, काला बाजार, काला बाजार वो मूवी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं चर्चा ब्लैक मार्केटिंग की। तो ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? बाजार को काले रंग से पोत देना? जी नहीं, बाजार को काले रंग से पोतना ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि बाजार में एक आर्टिफिशियल जो है अभाव पैदा कर देना, एक आर्टिफिशियल ब्लैंक पैदा कर देना। देखिए होता क्या है, अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने कि दाल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी। हाल ही में आपने देखा कि कभी कभी होता क्या है, मार्केट में कैसी न्यूज बनती है कि नमक का शॉर्टेज हो गया और एकाएक नमक का दाम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, ये ब्लैक मार्केटिंग की देन होती है, काला बाजार की देन होती है। जब आप देखते हैं कि किसी मार्केट में किसी चीज की सप्लाई में थोड़ी सी रुकावट आने लगती है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी हैं जो ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त पाए जाते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो बाजार से उन वस्तुओं को खरीद करके गोदामों में भर देते हैं और बाजार में उस सामान का अभाव वास्तविक रूप से उतना नहीं होता जितना कि बाजार में अभाव देखा जा रहा है। वो क्या करते हैं कि बाजार से सामान खरीद के गोदामों में भर देते हैं और जब वस्तुओं का अभाव बाजार में पूरी तरह से बन जाता है और दामों में एकाएक बहुत तेजी से वृद्धि होती है, तो उस बढ़ी हुई कीमतों पे सामान को बेचना, यही है ब्लैक मार्केटिंग। कि बाजार में एक आर्टिफिशियल जो है क्राइसिस क्रिएट करना, बाजार में एक छद्म अभाव, एक आर्टिफिशियल या एक कृत्रिम अभाव पैदा करना और अभाव के कारण वस्तुओं के दामों में वृद्धि करवाना और बढ़े हुए दामों पे वस्तुओं को बेचना, यही है ब्लैक मार्केटिंग। तो क्या यहां पर क्या होगा, काला बाजार मतलब कृत्रिम अभाव, कृत्रिम अभाव पैदा करना, अभाव प्लस दूसरा क्या होगा, बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तुओं को बेचना, बढ़ी कीमतों पर वस्तु बेचना, वस्तु बेचना। ठीक, तो बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तुओं को बेचना, तो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होगा कि बाजार में एक छद्म अभाव पैदा करना और अभाव के बाद जो कीमतें बढ़े उस बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तुओं को बेचना। तो ये मुद्रा के अन्य भेद रहे, ये दो टर्म वहां पे नए शब्द आए थे इसलिए हमने डाले। तो आपने मुद्रा में क्या क्या पढ़ा, प्लास्टिक मनी हो गई, हार्ड मनी हो गई, सॉफ्ट मनी हो गई, हॉट करेंसी हो गई और साथ साथ लीगल एक्सेप्टेड करेंसी हो गई या लीगल एक्सेप्टेबल करेंसी हो गई। इसके साथ साथ आप आते हैं कि भारत में मुद्रा का थोड़ा सा और इतिहास देखते हैं, जो आज करेंसी चलन में है वो कैसे आई और जो है पहले क्या व्यवस्था थी। तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछिएगा तो शायद बताएंगे, पहले हम लोग कहते थे जो है एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना। ठीक, अभी भी हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, 50 पैसे का जो सिक्का है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, आठ आना। मतलब इसमें कहीं आठ तो लिखा नहीं है, ये तो 50 पैसे का सिक्का है, तो ये आठ आना कैसे हुआ? तो मुद्रा में पहले क्या था, मुद्रा में आना प्रणाली प्रचलित थी। क्या थी,
आना प्रणाली थी। इसे आप एक आना, दो आना, चार आना, आठ आना और 16 आने तक आप पढ़ते थे, ठीक, 16 आना पैसा, ठीक, जिसे आज आप एक रुपया कहते हैं। तो यह पद्धति बदली गई, यह पद्धति बदली गई 1957 में, 1957 में इस आना प्रणाली को कैश कर दिया गया और इसके स्थान पर आई दशमिक व्यवस्था, ठीक, दशमिक प्रणाली मतलब दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति आई। और दशमलव को क्या कहते हैं आप 100% में लिखते हैं। तो यह आना प्रणाली जो 16 आना था, यह 16 आना किसके बराबर हो गया, 100 पैसे के बराबर हो गया। तो जब यह पैसा नया नया आया 1957 में, तो इसे कहा गया था इस दशमलव प्रणाली के पैसे को नया पैसा। तो अभी भी कुछ लोग कहते हैं 20 नया पैसा, 25 नया पैसा। तो यह नया पैसा मतलब इस समय यह पैसा 1957 में नया नया था और इसका नाम पड़ा क्या, नया पैसा। और यह 1964 तक यह नया पैसा ही बना रहा। कब तक, 1964 तक यह नया पैसा रहा। 1964 में इसमें फिर परिवर्तन देखा गया, इस नया पैसा में से नया शब्द गायब हो गया। अब यह क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पैसा बचा, ठीक। तो अब आपके यहां कौन सी प्रणाली प्रचलित है, वो है दशमलव प्रणाली और वो आई 1957 में, 1957 में आई। तो 1957 के पहले ये आना प्रणाली थी, 16 आना, एक आना, आठ आना, चार आना, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था पैसे के लिए। 1957 के बाद दशमलव प्रणाली आई और नया पैसा आया, और नया पैसे में 1964 में से जो है नए पैसे में से नया शब्द हटाया गया और यह क्या हो गया, अब ये पैसा हो गया। तो वर्तमान समय में अगर आप पैसे की बात करें तो 50 पैसे का सिक्का आपकी सबसे छोटी मुद्रा है जो चलन में है अभी। अभी ये बाजार में भले इस्तेमाल ना की जा रही हो, बट भारत सरकार की तरफ से विधिग्राह्य मुद्रा है, ये लीगल एक्सेप्टेड है। 50 पैसे का सिक्का आज भी लीगल एक्सेप्टेड है। 50 पैसे से ऊपर के सारे सिक्के, 50 पैसे से ऊपर के सारे सिक्के ठीक अभी भी चलन में है, लेकिन इससे कम मूल्य के सारे सिक्के, मतलब 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा, ये सारे सिक्के अब बंद कर दिए गए। 1 जुलाई सन 2011, ठीक, 1 जुलाई 2011 से ये सारे सिक्के, मतलब 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सारे सिक्के बंद कर दिए गए। और अब जो है सबसे छोटी विधिग्राह्य मुद्रा, सबसे छोटी लीगल एक्सेप्टेड मनी क्या है, 50 पैसे का सिक्का, और सबसे बड़ी ये क्या है, ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी मुद्रा होगी भारत में, सबसे बड़ी लीगल एक्सेप्टेड मुद्रा है 2000 रुपए, ठीक, 2000 रुपए। तो आपको याद भी होगा शायद, पहले रुपए के लिए हम लोग रुपए शब्द का प्रयोग करते थे, क्या करते थे, रुपए शब्द का प्रयोग करते थे। किसी भी सामान को खरीदे तो उसके सामने लिखा रहता था कि 25 रुपए, ठीक, 25 रुपए, 20 रुपए या एक्स्ट्रा जो भी उस सामान का मूल्य हो। लेकिन अब इसके स्थान पर रुपए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 25 के आगे एक साइन बना दिया जाता है ये, ठीक, 20 के आगे एक साइन बना दिया जाता है ये। ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है, क्या है ये, रुपए का प्रतीक चिन्ह है ये। यह रुपए को इंगित करता है कि दैट्स मनी कॉल्ड रुपीस, क्या कहा जाएगा, रुपया कहा जाएगा। तो यह चिन्ह डेवलप किया गया सन 2010 में, ठीक, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। देखिए दुनिया में बहुत सी मुद्राएं हैं जिनके अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे डॉलर वगैरह। तो अभी कुछ देशों की मुद्राओं की हम चर्चा करते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहले भारत के इस प्रतीक चिन्ह की चर्चा कर लेते हैं। तो सन 2010 में एक कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्ष थी उषा थोराट। उषा थोराट के अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी ने को काम दिया गया कि भारत की मुद्रा के लिए कोई लोगो डिसाइड करे, और उसके लिए इसने निविदा आमंत्रित की। तो इस निविदा में भाग लिए डी उदय कुमार। कौन, डी उदय कुमार। तो डी उदय कुमार है कौन, डी उदय कुमार तमिलनाडु निवासी है। कहां के हैं, तमिलनाडु,
तमिलनाडु निवासी हैं और जिस समय सन 2010 में ये मुंबई आईआईटी के छात्र थे, मुंबई आईआईटी के छात्र थे। तो मुंबई आईआईटी के छात्र होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के रुपए का प्रतीक चिन्ह बनाया और उसमें दो अक्षरों का समावेश किया, एक रोमन अक्षर, ठीक, तो रोमन अक्षर आर और देवनागरी का, देवनागरी लिपि के रा, इन दो शब्दों को मिलाकर के इन्होंने एक नया साइन बनाया, यह है आर, जो है भारत के रुपए का प्रतीक चिन्ह। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे भारत के प्रतीक चिन्ह को जो है जारी किया गया, तो उषा थोराट कमेटी है। और किसने इस चिन्ह को बनाया, डी उदय कुमार ने, कहां के निवासी हैं, तमिलनाडु की। इन्होंने आईआईटी कहां से किया है, मुंबई में, 2010 में मुंबई आईआईटी के छात्र रहे। इन्होंने दो अक्षरों का समावेश किया है, रोमन अक्षर आर और देवनागरी लिपि के र, तो इन दोनों से मिलकर के बना है भारत का रुपए का प्रतीक चिन्ह, जिसे आप इस साइन में इन दो अक्षरों के समावेश में देख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं कि मुद्रा में और क्या क्या चीजें हैं। मुद्रा में अभी आपने हमने आपको बताया कि साख मुद्रा, ये साख मुद्रा मतलब क्रेडिट मनी कहा जाता है। तो साख मुद्रा है क्या, क्रेडिट मनी होती क्या है, तो क्रेडिट मनी के अंतर्गत आप शामिल करते हैं चेक, क्या चेक, चेक के साथ साथ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के साथ साथ विनिमय पत्र, विनिमय पत्र या बचत पत्र, ठीक। तो ये सारे साख मुद्रा कहलाते हैं। साख मुद्रा से जो मूल आशय है कि चेक आपके अकाउंट में बैलेंस अगर है तभी वो कार्य करेगा। तो यहां पर जो मूल और महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान समय में धीरे धीरे पत्र मुद्रा से ज्यादा प्रयोग होने वाली मुद्रा कौन सी बन गई है, साख मुद्रा। और इस साख मुद्रा के साथ साथ अगली जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली मुद्रा है वो है डिजिटल करेंसी, ठीक, डिजिटल मुद्रा। तो डिजिटल मुद्रा क्या इसे छुआ जा सकता है, महसूस किया सकता है, कतई नहीं। डिजिटल मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो संचार साधनों का प्रयोग करके जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, और संचार साधनों के प्रयोग के द्वारा ही इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह एक छद्म मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा नहीं है, क्लियर। यह क्या है, एक प्रकार की छद्म मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा के रूप में नहीं जानी जाती, क्लियर। और इसके साथ डिजिटल करेंसी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो आप बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, बिटकॉइन, ठीक, यूनिकॉइन। तो बिटकॉइन और यूनिकॉइन क्या है, ये छद्म मुद्रा के रूप में काम करती है, जिसे आप कहेंगे डिजिटल करेंसी, ठीक, साख मुद्रा। और इसके आगे आते हैं कि मुद्रा में और क्या क्या चीजें हैं। तो मुद्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मुद्रा स्फीति, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा का अवमूल्यन, ठीक, डिवेल्युएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिवेल्युएशन। तो इसे हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।